जी हाँ, स्वागत है आपका वाईफाई ज्ञान चैनल पर एक बार फिर से। और दोस्तों, आने वाली हमारी 1 तारीख 2020 से, यानी दोस्तों 1 अगस्त 2020 से हमारे भारत सरकार ने हमारे भारत में 6 बड़े बदलाव, 6 नए नियम को जारी करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो आखिरकार कौन कौन से 6 नए नियम है जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे भारत में लागू कर दिए हैं। अगर दोस्तों आप इसके बारे में नहीं जानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो आने वाले समय में आपको बहुत सारी यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक नए नियम के बारे में विस्तार से देख लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों हमारा जो असली मेहनत का फल होता है वो आपके लाइक और शेयर पर डिपेंड होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय वाले चलता हूँ आपको आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा की आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं की 1 अगस्त से बदल जाएंगे पैसे से जुड़े 6 नए नियम, आपके लिए जानना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें की हमारे आने वाले 1 तारीख 2020 से हमारे भारत में 6 नए नियम लागू होने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप इस 6 नए नियम को जान लेंगे तो आने वाले समय में आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए, जो हमारा पहला नया नियम निकल कर आ रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि कार और बाइक खरीदना होगा थोड़ा सस्ता। यानी दोस्तों, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में बदलाव होने से 1 तारीख से नई कार या बाइक खरीदना थोड़ा सस्ता हो जाएगा। और दोस्तों, इसको लेकर भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण यानी दोस्तों इरडा के मुताबिक आने वाली हमारी 1 अगस्त 2020 से अगर आप बाइक या कोई भी 4 व्हीलर खरीदते हैं तो आपको काफी यहाँ पर सस्ता मिलेगा। और दोस्तों, इसके साथ ही जो हमारा दूसरा नया नियम निकल कर आ रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि मिनिमम बैलेंस और लेन देन के नियम में बदलाव। यानी दोस्तों, कैश इनफ्लो और डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई बैंकों ने 1 तारीख से न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज लगाने का ऐलान किया है। और दोस्तों, बैंकों में 3 मुफ्त लेन देन के बाद भी पैसा वसूला जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आप किसी भी ATM से ट्रांजेक्शन करते हैं या किसी भी सरकारी बैंक से अगर आप पैसे को ट्रांसफर करते हैं तो आपको हर पैसे ट्रांजेक्शन करने पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। यानी कि दोस्तों, पहले जो हमारा नया नियम था कि अगर आप 3 बार से अधिक पैसे ट्रांजेक्शन करते थे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, आने वाली हमारी 1 तारीख 2020 से हमारे भारत सरकार ने कुछ ऐसे यहाँ पर नए नियम को जारी कर दिए हैं, जिसके तहत दोस्तों अगर आप ATM से या किसी भी बैंक अकाउंट से अगर आप पैसे ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको हर ट्रांजेक्शन पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरा जो हमारा नया नियम निकल कर आ रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि RBI ने सेविंग खाते के नए नियम बदले। यानी दोस्तों, RBI ने हाल ही में सेविंग खाते पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। और दोस्तों, नई दरें 1 तारीख से लागू हो जाएगी। और दोस्तों, अब सेविंग खाते पर 1 लाख तक जमा पर 4.75% सालाना ब्याज मिलेगा। और वहीं दोस्तों, 1 लाख से 10 लाख रुपए की जमा पर 6% और 10 लाख रुपए से 5 करोड़ जमा पर आपको 6.75% आपको मिलेगा। जी हाँ, बताएं दोस्तों कि हमारे भारत सरकार ने आपके ब्याज दर में, यानी दोस्तों अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट के खाता धारक हैं तो वैसे में आप जान लीजिए कि हमारे भारत सरकार ने सभी यहाँ पर RBI के नए नियम बदल दिए हैं। और दोस्तों, अब से अगर आप अपने पैसे को फिक्स किए हैं तो वैसे में आप जान लीजिए कि अब से आपको 1 लाख से 10 लाख रुपए जमा करने पर आपको 6% और आपके 10 लाख से 5 करोड़ रुपए जमा करने पर आपको 6.75% का यहाँ पर ब्याज मिलेगा। तो ये कुछ हमारे RBI बैंक ने अपने नए नियम को चेंज कर दिए हैं। अगर दोस्तों आपका RBI बैंक में खाता है तो ऐसे में आप जान लीजिए कि हमारे RBI बैंक ने अपने सेविंग खाते के नए नियम को बदल दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथा जो हमारा नया नियम निकल कर आ रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि ई कॉमर्स कंपनियों बदलेगा नियम। यानी दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनियों से लिए गए 1 अगस्त से प्रोडक्ट को ओरिजिनल बताना जरूरी होगा। और दोस्तों, प्रोडक्ट कहाँ बना, किसने बनाया है, ज्यादातर कंपनी ने पहले यही जानकारी देना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इनमें फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और यहाँ पर स्नैपडील जैसी कंपनियां शामिल हैं। और दोस्तों, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए यह कहा जा रहा है कि यह आत्मनिर्भर भारत की तरह कदम बढ़ाया जा रहा है। यानी कि फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हमारे ई कॉमर्स कंपनियों ने अपने नए नियम को बदल दिए हैं। अगर दोस्तों आप किसी भी कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको सबसे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार वह प्रोडक्ट कहाँ से बना हुआ है और किस कंपनी ने बनाया है, तभी दोस्तों जाकर के आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो ये कुछ हमारे भारत की सरकार ने आपके ई कॉमर्स कंपनियों के नए नियम को चेंज कर दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं पांचवा जो हमारा नया नियम निकल कर आ रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि PM किसान की 6ठी किस्त। यानी दोस्तों, किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6ठी किस्त डाली जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हमारे भारत सरकार ने सभी गरीब किसानों के खाते में 5वीं किस्त भेज दी है। और दोस्तों, आने वाले हमारे 1 तारीख 2020 से सभी यहाँ पर किसानों के खाते में फिर से हमारी केंद्र सरकार 2000 रुपए ट्रांसफर करेगी। तो वैसे दोस्तों, अगर
खराब है पीएम किसान योजना का फॉर्म भरे थे, तो ऐसे में आप जान लीजिए कि हमारे भारत सरकार ने आपकी छठी किस्त आपको 1 तारीख से भेजना शुरू कर देगी। चलिए अब बात करते हैं छठवां जो हमारा नया नियम निकल कर आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि बदलेगी एलपीजी रसोई गैस। यानी दोस्तों अगर आपके घर में कोई सा भी घरेलू गैस सिलेंडर है तो उन सभी घरेलू गैस सिलेंडर के नए नियम बदलने वाले हैं। तो आखिरकार इसका पूरा मामला क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर और हवाई ईंधन की नई कीमतों की घोषणा करती है। और दोस्तों पिछले कुछ महीनों से कीमतों में इजाफा हो रहा है और दोस्तों आने वाले हमारे 1 तारीख 2020 से आपके एलपीजी की कीमतों में फिर से यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि फ्रेंड्स आपको बता दें कि हमारे आए दिन आपके हर महीने में आपके एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में काफी यहाँ पर बढ़ोतरी होती रहती है। और दोस्तों ठीक हमारे आने वाले 1 तारीख 2020 से आपके रसोई गैस सिलेंडर में फिर से हमारे भारत सरकार ने बढ़ोतरी करने का ऐलान जारी कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये कुछ हमारे भारत सरकार ने आपके पूरे भारत में 6 नए नियम को जारी कर दिए हैं। अगर दोस्तों आपको इस 6 नए नियम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, मैं यहाँ आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अपडेट्स में, तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम।